नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक बात सीधी बात जनता के साथ में, और मैं हूं सुमित गोयल। दोस्तों, इस वक्त जो है एक मामला क्लब हाउस के नाम से सुबह से ही टीवी चैनलों के माध्यम से, अन्य मीडिया चैनल के माध्यम से सामने आ रहा है। क्या है वो क्लब हाउस का मामला, तो बता देते हैं आपको कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह को पाकिस्तानी पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह जो है कश्मीर का मुद्दा, बहुत ही अहम मुद्दा जो कई सालों से अटका हुआ था, जिसको बीजेपी सरकार द्वारा एक झटके में तोड़ दिया गया 370, जिसका टूटना एक महज सपना सा लगता था, जिसको केंद्र की सरकार बीजेपी ने एक झटके से तोड़ दिया। और आज उस मामले को लेकर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए नजर आए, और उसके फेवर में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो पाकिस्तान के लिए इस मामले पर पुनः विचार कर सकते हैं और धारा 370 को दोबारा कश्मीर में लागू कर सकते हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने क्या कहा, सुनते हैं उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के अंदर। बंधुगण, आज सुबह से ही टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था, आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कोई नई बात नहीं कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था और हमारे तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया था। बंधुगण, इस क्लब हाउस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट किस प्रकार से मोदी जी के हटने के बाद भारत की सत्ता क्या होगा, भारत के सत्ता का पॉलिसी कैसा होगा, कश्मीर पॉलिसी कैसा होगा, इस पर सवाल पूछता है। आप खुद बताइए, आप में से यदि कोई उसमें मौजूद होता, आपसे ये सवाल पूछा जाता, तो स्वाभाविक है हम में से कोई भी व्यक्ति उस पत्रकार को कहता, अरे भाई पत्रकारिता तो ठीक है, हमारे यहां सरकार कब परिवर्तित होगी, कैसे परिवर्तित होगी, इसमें आपको नाक घुसाने की आवश्यकता क्या है, इस विषय में आपको व्यक्तिगत रूप से इंटरफियर करने की आवश्यकता क्या है, आप तो पाकिस्तानी हैं। मगर नहीं, दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओबलाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों के शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है,
ऐसे कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। बंधुगण, एक पैटर्न है, आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया, ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूलकिट का हिस्सा है। कहा गया होगा ये सवाल पूछना और उसके बाद बताया गया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैटर्न है। मैं एक एक करके वो पैटर्न आपको गिनाता हूं। आर्टिकल 370 पे डिस्कस कर रहे हैं मित्रों, आपको याद होगा, और मैं तो चैनलों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप चतुर्थ स्तंभ हैं, आप उस बाइट को जरूर दिखाइएगा जब पार्लियामेंट में आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी खड़े होकर आर्टिकल 370 के विषय में अपना वक्तव्य आरंभ ही करने वाले थे, तभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी की ओर से अधीर रंजन चौधरी, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, तक्षणात खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये चर्चा हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बायलैटरल इशू है, ये आर्टिकल 370 तो द्विपक्षीय इशू है, इसमें भारत कैसे अपने आप डिस्कशन कर सकती है बिना पाकिस्तान के कंसेंट के। तो ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पटल पे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। और तो और, अधीर रंजन चौधरी जी के पीछे स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी मौजूद थी, और ये सब कुछ सोनिया गांधी जी के उकसाने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हाउ कैन आर्टिकल 370 बी डिस्कस्ड यूनिलैटरली बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इट इज अ बायलैटरल इशू। ये पैटर्न उससे पहले से शुरू हुआ, जब आप याद करिए मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान और वहां एक साक्षात्कार में, एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं मोदी को हटाना होगा, मोदी को हटाना होगा और हमें लाना होगा। ये मोदी को हटाना होगा और कांग्रेस को लाना होगा, ये गुहार कोई आज से नहीं, जब से मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये गुहार कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता पाकिस्तान से लगा रहे हैं। और आप सिमिलैरिटी देखिए, 2014 के आसपास जब मणिशंकर अय्यर कह रहे थे मोदी को हटाना होगा, पाकिस्तान का वो एंकर था वो डर गया, वो बोलता हम कैसे हटाएंगे जी, मतलब वो सोचा कि ये किस प्रकार का डिस्कशन हो रहा है, मगर मणिशंकर अय्यर अड़े रहे मोदी को हटाना होगा, आपकी मदद से हटाना होगा। और कल जो क्लब हाउस में हुआ है उसमें भी मोदी को हटाना होगा, मोदी के हटने के बाद का भारत कैसे होगा, ये चिंता पाकिस्तानियों और कांग्रेसियों के बीच में चल रही है। बंधुगण, ये वही मणिशंकर अय्यर भी हैं, आप याद करिए, हम जम्मू कश्मीर के विषय में बात कर रहे हैं, विगत अगस्त के महीने में ये वही मणिशंकर अय्यर है जिसने कश्मीर और जम्मू को कंपेयर किया था फिलिस्तीन के साथ, कि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। ये किस प्रकार का संदेश पूरे विश्व में भेजते हैं। और इन सबके सरगना, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये सबके सरगना है आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आपको याद होगा आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था उसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हजारों लोगों के, एक बाइट में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के बाहर, हजारों लोग हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं, और इंडिया में, जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है। नतीजा 25 तारीख को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं और 27 तारीख को, दो दिन बाद, एक डोसियर बना करके, एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान, इसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है, ये इंडिया के ऑपोजिशन लीडर का वक्तव्य है। आप सोचिए जरा, मुझे तो शक है कि ये किस प्रकार से टाइमिंग थी कि 25 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट और 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत हो जाना, कहीं ये सांठगांठ तो नहीं, ये कितना बड़ा टूलकिट है, कहीं ये सांठगांठ तो नहीं कि हाँ मैं ट्वीट करूंगा तुम उसे प्रस्तुत कर देना, और हजारों लोग मारे गए, किस प्रकार से झूठ फैलाया गया, एक पैटर्न है। और तो और, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने, जब हिंदुस्तान की जाबाज आर्मी ने
जज्बा दिखाया था और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताने का काम और उसे खून की दलाली बताने का काम किया, ये वही राहुल गांधी। और राहुल जी, मैं तो सवाल आप ही से पूछूंगा, आपके पुराने ट्वीट्स निकाल के लाया हूं। ये एक ट्वीट है 13 फरवरी 2020 का, उसमें उन्होंने कोरोना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। राहुल गांधी जी, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मणिशंकर अय्यर खड़े हैं, आप ऐसा एक नक्शा भारत का ट्वीट करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, उसी पैटर्न के अंतर्गत शशि थरूर, आपको याद होगा, हिंदू पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोरोना का मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो गया कि शशि थरूर जी को जलन हो रही थी, वो भी फर्स्ट वेव में। उन्होंने 18 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान को संबोधित करते हुए ऐसे ही एक क्लब हाउस, उस समय क्लब हाउस नहीं खुला था, उस समय कुछ वेबसाइट वेब चैट वगैरह था, उस वेब चैट में कह रहे थे कि मुझे तो जलन हो रही है, पाकिस्तान कितनी खूबसूरती के साथ कोरोना का मैनेजमेंट कर रहा है। ये सारे नेता, और आप इनसे पूछेगा तो बताएंगे ये तो व्यक्तिगत विचार है, ये व्यक्तिगत विचार नहीं है जी, ये सब टूलकिट का हिस्सा है। बी हरिप्रसाद, इनके इतने बड़े नेता कर्नाटक से, और उन्होंने कहा पुलवामा का जो हमला हुआ वो मोदी जी और इमरान खान, इन दोनों ने मिलकर सांठगांठ के साथ कराया है। और तो और, ये जो कांग्रेसी है, इन्होंने जाके टर्की में किस प्रकार से एक ऑफिस खोला, ये आपने देखा था, और वहां जाके यूसुफ खान को अपना अध्यक्ष बनाया था, टर्की में ऑफिस, यहां का तो ऑफिस का कोई अध्यक्ष है नहीं, वहां पर अध्यक्ष लगा के बैठाया हुआ था। ओसामा जी, हाफिज सईद जी, ये सब तो आप जानते ही हैं। मगर बंधुगण, ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाता है, ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि भारतवर्ष में एक अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी, ये हाफिज सईद ने कहा था, आप सबने दिखाया था, वो वीडियो मौजूद है। ये ऐसे ही हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं करता है। और आज मैं एक निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे। ये अपने आप को INC कहती है, आज मैं कहता हूं ये अपने आप को ANC कहे, एंटी नेशनल क्लब हाउस। ये एक ऐसा क्लब हाउस है जिसमें सारे लोग मोदी जी से घृणा करते करते, घृणा करते करते आज हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें पी चिदम्बरम कह रहे थे कि आर्टिकल 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को आप देखिए बंधुगण, केवल इस पैटर्न में पाकिस्तान हो ऐसा नहीं है, इस टूल किट में चाइना पाकिस्तान एक्सेस भी था इस टूल किट में। 2008 में जो MOU साइन किया गया सोनिया जी और राहुल जी द्वारा, और काफी डोनेशन, करोड़ों में डोनेशन जो कांग्रेस के अकाउंट में चाइना से आया, ये सब यूं ही नहीं हुआ है, ये सब उसका हिस्सा है कि हम मिलके किस प्रकार भारतवर्ष को नीचे दिखाएंगे, कश्मीर में आर्टिकल 370 पुनः स्थापित करने के लिए चीन पाकिस्तान इत्यादि के साथ मिलके काम करेंगे। ये 2008 में MOU का भी हिस्सा है, और आपको याद होगा डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था, पूरा ये गांधी का कुनबा, ये तथाकथित गांधी का कुनबा जो है, ये प्रियंका जी, राहुल जी, वाड्रा जी और भी सब जी, वो सारे के सारे चाइनीज टेंट के नीचे मिले थे। पहले तो मना कर रहे थे, बाद में जब फोटो आ गया और मीडिया ने फोटो चला दिया, तब हाथ खड़े करके हाँ हम वहां थे। आप बताइए ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से आज हम ये डिमांड करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को जिस प्रकार से मोदी के हटने के बाद भारत कैसा होगा, उसमें हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे। इस पर सोनिया गांधी जो कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जिनको भविष्य में वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं शायद कांग्रेस पार्टी, दोनों क्या सोचते हैं, क्या ये कांग्रेस का राय है या नहीं है? हम चाहते हैं इसमें राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करें और इस सच्चाई को देश के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे मीडिया चैनल सटीक बात सीधी बात जनता के साथ में।